नमस्कार, अब तक की सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के आधे जिलों में आई बाढ़ के कारण हुए खराबे का आकलन करके उसकी भरपाई करेगी सरकार, यह कहना है प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल का। रविवार को कृषि मंत्री ने आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तीसरी बार हार होने का दावा करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अपनी जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया। भिवानी पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि 30 जुलाई को भिवानी व दादरी के पंचायत प्रतिनिधियों की सभी समस्याओं के समाधान के लिए बड़ी बैठक होगी। भिवानी पहुंचने पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फोन कर तुरंत समाधान के निर्देश भी दिए। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस व केजरीवाल पर निशाना साधा और बाढ़ से बचाव के प्रबंध की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस साल फरवरी में बेमौसमी बारिश ने नुकसान किया और अब बाढ़ ने, लेकिन जान माल की सुरक्षा को लेकर प्रशासन जुटा हुआ है। सरकार खराबे का आकलन कर भरपाई भी करेगी। वही जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह को थप्पड़ मारने को लेकर कहा कि लोग संयम बनाए रखें, ये संकट किसी व्यक्ति विशेष के कारण नहीं आया। पक्ष विपक्ष व सामाजिक संगठन मिलकर ही इस संकट से पार पा सकते हैं। शासन के लोग भी लगे हुए हैं, मवेशियों के लिए चारा देना, पीने का पानी देना, और अब नुकसान का आकलन करके, फसलों का नुकसान, घरों का नुकसान करके उसकी क्षतिपूर्ति भी करेंगे। मैं तो लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसी संकट की घड़ी में संयम बना के रखना चाहिए। ये जो संकट आया है किसी के एक आदमी की या किसी के कहने से नहीं आया, और हम मिलजुल करके इसका मुकाबला करेंगे, चाहे इसमें सरकारी पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे सामाजिक संस्थाएँ हों, और हरियाणा में ये भाईचारे की भावना से लेकर के इस संकट से भी निजात पा लेंगे। आम आदमी पार्टी का जन्म ही झूठ बोलना, लांछन लगाना, दोषारोपण करने, इसी तरह के कार्रवाई से हुआ है। अभी भी जब भी मौका मिलता है वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, दूसरे पे आरोप लगाते हैं। दिल्ली में प्रदूषण होता है तो हरियाणा के किसानों को दोषारोपण करते हैं। कोरोना का टाइम आया तब भी केंद्र सरकार पर कह दिया कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हमें वैक्सीन नहीं मिल रही। अब दिल्ली में किसी भी तरह की समस्या, पीने के पानी की समस्या होती है तो हरियाणा पर दोषारोपण करते हैं। अब बाढ़ का पानी, सच्चाई ये है कि हरियाणा में हमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे 10-11 जिलों के अंदर पानी भरा हुआ है, और हमारे पास इस पानी का रोकने का सिस्टम होते तो हम अपने हरियाणा में क्यों लोग किसानों का नुकसान होने देते। लेकिन वो इसका दोषारोपण भी कहते हैं कि हरियाणा ने पानी छोड़ दिया, जबकि पानी तो हिमाचल से आता है। और सच्चाई ये है कि जो जमुना नदी है दिल्ली में, इस पर अवैध कब्जे हो गए हैं। पहले जमुना नदी बहुत चौड़ी थी, अब करते कब्जा करके उसका साइज घटा दिया, और इसलिए पानी ऊपर चढ़ रहा है। अपनी जिम्मेदारियों से केजरीवाल जी भाग रहे हैं और दूसरों पर दोषारोपण करने की उनकी आदत है। कोई भी कार्रवाई वो करते नहीं, सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन लगाते हैं। 9 तारीख को भिवानी में कांग्रेस की रैली दादरी में अटक हो, उन्होंने दावा किया कि ये जो सरकार है हर मामले में विफल है और इस बार कांग्रेस की सरकार जो है वो बनना पड़ेगा। ऐसा है, हर पार्टी को अपनी रैली करने का हक है और अपने पक्ष में बोलने का हक है, लेकिन कांग्रेस को ये ध्यान रखना चाहिए कि 2 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं पीछे, 2 बार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, हरियाणा की जनता जो है रिजल्ट दे चुकी है। जैसे रिजल्ट पीछे आए थे उससे बेहतर रिजल्ट भाजपा के पक्ष में फिर आएंगे। बात करें तो एक बार जो सरपंचों को लेकर काफ़ी विरोध हुआ था, वही हाल जो अब चेयरमैन नगर परिषद के पालिका है, उनकी डीडी पावर खत्म की गई। वो कह रहे कि सरकार के खिलाफ हर बार की लड़ाई लड़ेंगे और इस प्रकार से अगर वो वोट नहीं मांग पाएंगे और सरकार हार सकती, बीजेपी हार सकती है। देखिए, पूरे देश के अंदर चेक के बाबूगिरी का काम है वो अधिकारियों का है। राजनीतिक आदमी, चुना हुआ आदमी, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे सरपंच हो, वो चेक पे साइन करना उचित भी नहीं है। अधिकारी चेक पे साइन करें, आदेश वो देंगे, उनके आदेश का पालन होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। और हमारे ज़िले के अंदर जो एक पंचायत प्रतिनिधियों की मैं मीटिंग करूंगा, दादरी भिवानी के सारे सरपंच, ब्लॉक समिति के सदस्य,
जिला परिषद के सदस्य, पंचायत विभाग के ACS, सारे वरिष्ठ अधिकारी, और जहाँ जहाँ रुकावट आई हुई है उसको दूर करूँगा ताकि विकास के काम हमारे यहाँ तेज गति से हों। 30 तारीख को भिवानी में कुछ स्थान निश्चित करके दोनों जिलों के सरपंच, पंच और अधिकारी के सामने बैठक करेंगे, जिससे कि काम रुके हुए हैं, ग्रांट गई हुई है, कोई ठेकेदार काम नहीं कर रहा, कोई उनको प्रक्रिया का नहीं पता, उस सब चीज़ों का मैं समाधान कराऊंगा। रविवार को स्वर्गीय मनोज चोपड़ा की स्मृति में वंशिका फाउंडेशन के सहयोग से रक्तवीर मनीष वर्मा व राजेश डुडेजा के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रक्तदान शिविर में 51 युवाओं से रक्तदान एकत्रित किया और उसे स्वास्थ्य विभाग में पहुंचाया। इलाज की सुविधा होने के बाद भी कई बार लोगों के जीवन की डोर सिर्फ इसलिए टूट जाती है कि उन्हें समय पर खून नहीं मिल पाता। आज भी लोग गलत धारणाओं के कारण रक्तदान करने में हिचकिचाते हैं, जबकि रक्तदान करने से रक्तदाता का कई गंभीर बीमारियों से बचाव होता है। रक्तदान ही एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसका कोई विकल्प नहीं है। इसकी पूर्ति केवल नियमित रक्तदान से ही पूरी हो सकती है। इसीलिए रक्तदान के प्रति लोगों में जागरूकता होनी अत्यंत आवश्यक है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा रक्तदान के लिए आगे आए और जरूरतमंदों को रक्त मिल सके। इसी कड़ी में वंशिका फाउंडेशन के सहयोग से स्वर्गीय श्री मनोज चोपड़ा की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए आयोजक रक्तवीर मनीष वर्मा ने बताया कि रक्तवीर राजेश दुड़ेजा के जीजा मनोज चोपड़ा का देहांत हो गया था। उनकी स्मृति में भिवानी के रक्तदाताओं द्वारा यह रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है। रक्तवीर मनीष वर्मा ने बताया इस रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उन्होंने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है, इसीलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार रक्तदान जरूर करना चाहिए। वहीं इस मौके पर उपस्थित पालेराम ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र सब्रवाल ने कहा कि युवाओं में सेवा भाव की भावना से ही समाज और राष्ट्र का भला हो सकता है। युवाओं को स्वयं रक्तदान के लिए जागरूक होने के साथ साथ समाज को भी जागरूक करने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को ऐसे रक्तदान शिविरों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। मेरे जीजा जी मनोज वर्मा, मनोज चोपड़ा जी का 5 जुलाई को देहांत हो गया था, जिनकी आज 13वीं के उपलक्ष्य में हमारे रक्तवीर साथी मनीष वर्मा जी वंशिका फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें युवा रक्तदाता बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। मैं सभी रक्तदाताओं कहता हूँ कि वो जीवन। नमस्कार साथियों, मैं रक्तवीर मनीष वर्मा। आज वंशिका फाउंडेशन के सहयोग से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जो रक्तदान शिविर हमारे रक्तवीर साथी रक्तवीर राजेश जुड़ेजा जी के जिया जी श्री मनोज चोपड़ा जी की याद में किया गया। उनकी स्मृति में आज ये रक्तदान का शिविर किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और मैं सभी युवाओं से और सभी शहरवासियों से, सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि आप किसी भी कार्यक्रम में, आपके सुख की घड़ी या दुख की घड़ी में हो, तो एक रक्तदान शिविर का आयोजन जरूर करें, ताकि जिस आपके रक्त के अंश है, ताकि किसी आपका रक्त, आपके रक्त का अंश जो बचाए किसी परिवार का वंश, आपके रक्त की जो बूंदे हैं वो किसी ना किसी का अनमोल जीवन बचा सकती है। रक्त का निर्माण किसी फैक्ट्री में नहीं किया जा सकता, एक मानव शरीर ही दूसरे मानव को दिया जा सकता, मानव से ही दिया जा सकता है। स्थानीय MC कॉलोनी स्थित एक पार्क में उस समय एक बड़ा हादसा घटित हो गया, जब पार्क में सिंगी काट समाज की बैठक चल रही थी। बैठक के दौरान बावड़ी गेट निवासी रवि की बिजली का करंट लगने से उस समय मौत हो गई, जब वह पास में लगे वाटर कूलर पर पानी पी रहा था। तुरंत उसे सामान्य अस्पताल में लाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। यहाँ एकत्रित समाज के लोगों ने बताया कि मृतक रवि की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। उसके 4 बच्चे हैं और मृतक रवि मजदूरी का कार्य करता था। उन्होंने प्रशासन से परिवार को आर्थिक सहायता देने की गुहार लगाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय MC कॉलोनी पार्क में सिंगी काट समाज बैठक कर रहा था। बैठक से उठकर पानी पीने के लिए बावड़ी गेट निवासी 39 वर्षीय रवि पास में ही लगे वाटर कूलर के पास गया, तो अचानक उसे करंट लग गया। समाज के लोग दौड़े और उसे लकड़ी के डंडों से दूर हटाया गया और तुरंत नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी। और क्या नाम है, क्या घटना घटी आज? मेरा नाम संजय कुमार है, मैं बावड़ी गेट सिंगी काट मोहल्ले का निवासी हूं। आज हमारे समाज की एक पंचायत थी, ये राम भजन का पार्क है जो रोहतक रोड पे MC कॉलोनी के पास में, वहां पर सभी बैठ के अपने आप समझौतों की बातें चली हुई थी। अचानक हमारा एक लड़का उठ के पानी पीने के लिए गया, वहीं नजदीक हमारे वाटर कूलर लगा हुआ है, वहां पानी पीने के लिए वो नीचे दबा, उसके गेट था, गेट पात लगाते तुरंत वहीं चिप गया।
एकदम जोर से आवाज़ें सभी उठ उठ के भागे, तो तुरंत ही हमारे दो लड़के थे वहाँ, उनको एक लड़के को फिर कंट खींचता, उन्होंने डंडा उठाया, डंडे से उसको किया, फिर उसने ना रुमाल की तरफ से खींचा, खींचते तुरंत हॉस्पिटल में लेके आए, हॉस्पिटल में जाकर उसको मृत घोषित कर दिया। रमेश कुमार, मैं बावड़ी गेट का निवासी हूँ और हमारी पंचायत जो वहाँ पे क्या नाम गिरधर हॉस्पिटल के सामने रोहतक गेट के पास पार्क में पंचायत हुई थी और वहाँ पर हमने देखा कि हमारा कोई बंदा वहाँ पानी पीने के लिए गया था और मौके पे उसने बिजली करंट पकड़ लिया। हम दो चार बंदे वहाँ भागे और उसको छुड़ाया, छुड़ाने के बाद वहाँ हमने इसको हॉस्पिटल में लेके आए, लाके लाते उसको मृत घोषित कर दिया गया। रविवार को निकटवर्ती गांव पालूवास में धोने वाले बाबा की याद में हवन यज्ञ का आयोजन करते हुए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस बारे में समाज सेवी नरेश तंवर ने बताया कि पूरे गांव के सहयोग से गांव में हर वर्ष 14 के दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि दूर दूर से बाबा के भक्त यहाँ पहुंचकर परिवार की सलामती की मान्यता मांगते हैं। रविवार को भिवानी के निकटवर्ती गांव पालूवास में धोने वाले बाबा की ब्रह्मलीन होने की तिथि 14 को हवन यज्ञ करते हुए विशाल मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 36 बिरादरी के सहयोग से मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस बारे में प्रसिद्ध समाज सेवी एवं हरियाणा सहकारी बैंक सेवा निवृत्त महाप्रबंधक नरेश तंवर ने बताया कि उनके द्वारा हर वर्ष शिवरात्रि के बाद 14 के दिन बाबा की ब्रह्मलीन होने की तिथि पर हवन यज्ञ करके भंडारे का आयोजन किया जाता है। वही इस अवसर पर आयोजित मेले में दूर दूर से भक्त पहुंचकर बाबा के दरबार में मत्था टेकते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। सालों से तो ये शायद 300 साल से शिवरात्रि से अगले दिन यानी कि 14 के दिन हर वर्ष बाबा धोनीवाले का भंडारा लगाया जाता है, हवन यज्ञ किया जाता है और यहाँ पर हजारों की संख्या में महंत आते हैं। खास रूप से इस स्थान की मुख्य भूमिका जो है वो ये है कि बाबा धोनीवाला यहाँ पर कभी घोर तपस्या करते थे और कई वर्षों से यहाँ पर बाबा धोनीवाले की इतनी असीम कृपा है कि इस गांव के ऊपर किसी तरह की महामारी या विपत्ति नहीं आती। और खास रूप से जो व्यक्ति आज के दिन बाबा धोनीवाले पर आकर अपनी मन्नत मांगते हैं उसकी हर मन्नत पूरी होती। मैं तो एक चाहता तो एक समय ऐसा था जब यहाँ भारी अकाल पड़ा था और उस अकाल के दौरान बाबा धोनीवाला ने यहाँ घोर तपस्या की और एक बड़ा भारी यज्ञ किया जिसकी वजह से इतनी भारी वर्षा हुई कि अकाल से जो लोग त्रस्त थे, किसान त्रस्त थे, पक्षी पशु त्रस्त थे पानी के बगैर, वो सभी संतुष्ट हुए। और उसके बाद यहाँ पर जो बे औलाद के औलाद मांगने के लिए यहाँ पर हर तरह का आशीर्वाद मिलता रहा है और बाबा धोनीवाला का हर मंगलवार को यहाँ पर हवन यज्ञ किया जाता है। लेकिन ये 14 का दिन बाबा जो आज के दिन ब्रह्मलीन हुए थे, आज के दिन सावन की 14 को, तो इस दिन विशेष भंडारे का और हवन का पूरे गांव वासियों की तरफ से, बाबा धोनीवाला सेवा समिति की तरफ से, पूरी हरिपुर और पालवास की तरफ से, इलाके की तरफ से यहां पर ये हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया जाता है। कि भंडारे पे बहुत गांव की इसमें बड़ा आशीर्वाद हो रहता है, बाबा धोनीवाला का आशीर्वाद। इसके लिए हमारे साल में एक बार 14 के दिन बाबा धोनीवाला का भंडारा किया जाता है। इसमें सभी श्रद्धालु बड़ी खुशी से मन्नत मांगने आते हैं, उसके लिए बाबा का आशीर्वाद गांव पर बना रहे, इसके लिए धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।